वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गजामर्स। और हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का सेशन चल रहा था, मैंने 2-3 वीडियोस डिस्ट्रीब्यूशन पे बनाई भी हैं। और आज हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इसकी स्क्यूनेस, कर्टोसिस और काफ़ी सारी चीज़ें। इसके साथ मैं नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आज आपको बताऊँगा, क्योंकि आगे हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। पहली चीज़ है, अगर आपका रिजल्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, यानी सक्सेस और फेलियर। ओके, रिजल्ट कैन बी कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज, सक्सेस, दूसरा फेल्योर। ठीक, दूसरी चीज़ है, प्रोबेबिलिटी जो आपकी सक्सेस की है वो हर एक आउटकम के लिए सेम रहनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंट, इज सेम फॉर ईच आउटकम। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है, सारे ट्रायल्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, और चौथी चीज है कि हम ट्रायल तब तक कर रहे हैं जब तक हमें फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल जा रही है। जैसे ही हमको फर्स्ट सक्सेस मिल जाएगी हम ट्रायल अपना बंद कर देंगे। ओके, यानी सीरीज ऑफ ट्रायल्स इज परफॉर्म्ड अंटिल वी अचीव फर्स्ट सक्सेस। ओके, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, क्या क्या मतलब बेसिक क्राइटेरिया है जहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके पीडीएफ वगैरह की, जहाँ जैसे कि हम लोगों ने ये देखा, मैंने आखिरी लिखा था सीरीज ऑफ ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर परफॉर्म अंटिल फर्स्ट सक्सेस इज ऑब्टेंड। ठीक है, यानी अगर कोई रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स है वो फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी, वेयर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर इसका जो आपका पीएमएफ है वो आप ऐसे लिख पाए, पी इंटू क्यू की पावर एक्स, वेयर एक्स गोज फ्रॉम 0.1.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इंडिपेंडेंट हमें पता नहीं है किस पे आएगा, तो यहाँ पे एक्स की कोई रेंज मतलब लिमिट नहीं होती। आखिरी, जैसे हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स 0 से एन जाता है, ये 0 से एन नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है जहां पे एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जो जिसे हम लोग कहते हैं पैस्कल ज्योमेट्रिक। ठीक है, वहां पे जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो स्टार्ट करेगी 1 से, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं जगह आपको लगेगा कि ज्योमेट्रिक हो रहा है, बट अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको पता चलेगा वहां पे पास्कल ज्योमेट्रिक लगेगा, क्योंकि वहां पे आपकी जो एक्स की रेंज होगी वो 1 से चालू होगी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया ज्योमेट्रिक और पास्कल ज्योमेट्रिक क्या चीजें हैं, अब इसके मीन, वेरियंस और मोड उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इसका मीन क्या होता है, क्यू बाई पी। ठीक है, वेरियंस होता है क्यू बाई पी स्क्वायर, फिर थर्ड मूवमेंट देख लिए होता है क्यू 1 प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, और फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट। ओके, ये होगा क्यू पी क्यू प्लस 9 क्यू अपॉन पी की पावर 4। ठीक, तो एक चीज अगर आप कायदे से देखें तो क्यू बाई पी एक रेशियो है, क्यू बाई पी स्क्वायर भी एक रेशियो ही होगा। यहां पे देखिए, तो इससे हमें ये पता चलता है जो मीन है आपका वो हमेशा वेरियंस से कम होगा यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ देखिए, कंपेयर करना चाहे तो इसे कंपेयर भी कर सकते हैं आप खुद ही पता लगा लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, मीन इसका हमेशा वेरियंस से कम ही आएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने चारों सेंट्रल मूवमेंट्स देख लिए हैं, तो अब एम जी एफ
और स्क्यूनस कर्टोसिस की बारी। तो MGF कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप लोग खुद निकालना चाहें तो उसे निकाल सकते हैं। अब मैं निकाल के बताने नहीं वाला हूँ आपको, अगर आप ना निकाल पाएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, मैं उसकी भी आपको एक स्क्रीनशॉट, अपना मैंने चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अब आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करिए और आपस में उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप निकालना चाहते हैं MXT, ये आता है P/(1-QE)T। ओके, इसका MGF आ गया। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है तो प्लीज़ मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हर एक चीज़ मैं बताने लगा। चलिए स्क्यूनेस के बारे में बात करें, तो स्क्यूनेस के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, β1। β1 क्या होता है, μ3² / μ2³। ओके, तो μ3 क्या था हमारा, क्यू, ठीक, 1+Q/P। ओके, हाँ यही था, P³ था ये, इसका होल स्क्वायर, ठीक, μ2² क्या था, Q/P² था, Q/P² ये चीज हो जाएगी हमारी। इसमें देखिए क्या क्या हमारा कटने वाला है, क्या क्या बचेगा, 1+Q² ये तो बचेगा ही बचेगा, Q² से Q² ही चला जाएगा, और यहाँ पे हम मुझे लग रहा है P की पावर 4, P की पावर 6 हो जाएगी, तो P² बचेगा। सॉरी, मैंने गलत पावर चढ़ा दी, यहाँ 6 से 6 ये कट जाएगा और यहाँ खाली क्यू बचेगा। ओके, तो आप अगर इस चीज़ को देखें तो क्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है हमेशा, ठीक है, तो यानी ये अभी छोड़िए, पहले गामा वन क्या होता है, अंडर रूट बीटा वन होता है, ये बचेगा 1/Q/√Q, ठीक, तो जो Q की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो यानी ये जो आपका टर्म आएगा ये भी ग्रेटर देन 0 ही तो हो जाएगा, यानी गामा वन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, डजेंट मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ Q इज, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर गामा वन हमें पता है ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली स्क्यू। ओके, तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, राइटिंग पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्क्यूनेस के बारे में तो पता चल गया, कर्टोसिस इसका क्या है, कैसा है कर्टोसिस। कर्टोसिस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, β2। β2 का फॉर्मूला क्या होता है, μ4/μ2² μ4 क्या था, P² + 9Q/P की पावर 4, और ये μ2 का क्या था, Q/P², तो ये हो जाएगा Q² / P की पावर 4। ये काटा, बचा क्या हमारे पास, P² / Q+9। ओके, ये चीज़ बची है हमारे पास, हमको γ2 पता है कि γ2 क्या होता है, β2-3 ये होगा, तो इसमें से 3 माइनस कर दिए, डायरेक्ट आंसर P² / Q+6, ठीक। तो ये क्वांटिटी चाहे ये रेशियो जितना भी छोटा हो, मैं कहता हूँ 0.00 समथिंग कुछ भी ले लो यार, ये 6 के होने की वजह से ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब हमारा जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोकल्टिक हमेशा रहेगा। ठीक, तो हमें दो चीजें पता चली कि हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पहली चीज पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और दूसरी चीज लेप्टोकल्टिक रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोड। मोड क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे आपका जो PMF है वो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑब्टेन करे, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि पावर एक्स। तो देख लीजिए एक्स कहां से जाता है, एक्स गोस फ्रॉम 0, 1, 2, कहीं पे भी आप चले जाइए, ये एक रेशियो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भाई ज्यादा से ज्यादा 1 ही तो हो सकती है, तो ये 1 कम होगी जब x=0 होगा, तभी x=0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है, यानी x=0 ही इसका मोड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा x=0 इसका मोड होता है। इसके बाद हम लोग मीडियन देखते हैं इसका, ठीक है,
मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन का बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स की रेंज जहां से भी हो एम तक पी इंटू पी एक्स जो हो उसकी वैल्यू हाफ हो। तो हमारी एक्स की रेंज यहां पे जीरो से लेके एम तक जाएगी, पी इंटू क्यू की पावर एक्स इक्वल टू हाफ, पी बाहर आ जाएगा वन प्लस क्यू प्लस डॉट 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 क्यू की पावर एम इज इक्वल टू हाफ। तो इसको आप सॉल्व करिए, ये क्या आएगा, ए माइनस आर की पावर एन होता है, यहाँ पे एम टर्म्स हैं क्यू से लेके और ये वन एक्स्ट्रा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टोटल एम पावर प्लस वन टर्म्स है कि नहीं है, क्यू की पावर एम प्लस वन अपॉन वन माइनस क्यू यानी पी होगा, तो ये कट जाएगा, पी पी कैंसिल हो गया, ये बचा हाफ, इसको हाफ को इधर लेके आइए, बचेगा हाफ इक्वल टू क्यू की पावर एम प्लस वन, लॉग दोनों की तरफ ले लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड से, बचेगा माइनस लॉग टू, लॉग वन जीरो होता है, लॉग ए बाई बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, तो लॉग वन जीरो माइनस लॉग टू ये बचेगा एम प्लस वन लॉग क्यू, ठीक है, तो ये एम प्लस वन इज इक्वल टू माइनस लॉग टू अपॉन लॉग क्यू, ये हो जाएगा, ठीक, यानी एम आ गया माइनस वन माइनस लॉग टू अपॉन लॉग क्यू, ये आ गया आपका मीडियन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। मैंने आपको ज्योमेट्रिक का करके बताया, मैं चाहता हूँ पैस्कल ज्योमेट्रिक आप अपने आप करें, फिर भी मैं आपको आंसर बताया दे रहा हूँ। पैस्कल ज्योमेट्रिक में ये माइनस वन टर्म हट जाएगा, खाली माइनस लॉग टू, लॉग टू अपॉन लॉग क्यू बचेगा, ठीक, तो ये हमें पता चल गया। और ये देखिए, ये रहा हमारा मीन, सॉरी दिस इज मीडियन, मीन हमारा क्या है, क्यू बाई पी है, मोड क्या है, एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है, कायदे से देखिए x जीरो सबसे छोटी क्वांटिटी है, ठीक, मोड, ठीक। दूसरी चीज ये, इससे बड़ा क्या है, मीडियन या मीन, आप लोग खुद चेक करिए, देखिए वो लिखा है लॉग टू अपॉन सॉरी यहाँ पे माइनस वन टर्म रहेगा, माइनस वन माइनस लॉग टू अपॉन लॉग क्यू, ये सॉल्व होके हो सकता है माइनस प्लस कुछ भी आए, ये हमेशा माइनस ही आएगा, माइनस प्लस कुछ भी है, कुछ पता ही नहीं, जो मीडियन है, मीडियन पहली चीज़ तो नेगेटिव हो सकता है, हो ना भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकालेंगे तब पता चलेगा कि क्या आ रहा है, ठीक। पॉजिटिव क्वांटिटी ये आएगी, मोड इक्वल टू जीरो, ठीक, मोड सबसे छोटा हो गया, ये क्वांटिटी इससे बड़ी है बट इससे छोटी होगी हमेशा, ये चीज याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड, या फिर मोड इज लेस देन मीडियन, लेस देन मीन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया, बेसिक चीजें कुछ हमको पता चल गई हैं। अब आप कुछ लोग पूछ रहे होंगे, भैया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सर ने क्यों नहीं बताया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अभी मैं सर्वाइवल फैक्टर के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, तब उसके बारे में बताऊंगा, और मेमोरियलेस प्रॉपर्टी वगैरह भी बताऊंगा, तब बताऊंगा आपको। पहले एडिटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, और मैं अब चाहता हूं कि मैंने जितनी भी आपको पिछले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह जो भी एडिटिव प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है, आप एक पेज पे लिखना, कलेक्ट करना, उसे चालू करें, क्योंकि लास्ट में आपको ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आपके क्या कहते हैं उस पर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएंगे, और वो इसी टाइप के आएंगे कि x फॉलो कर रहा है, x1 x2 फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक, तो बताइए x1 प्लस x2 क्या फॉलो करेगा, और काफ़ी सारे वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, आज मैं थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले आप ये देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है क्या, xn ये फॉलो कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p, ओके, तो समेशन I going one से लेके n xi, ये फॉलो करेगा नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n कॉमा p, ठीक है, ये फॉलो करेगा नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n कॉमा p p, इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका यूज भी होगा, ठीक। और अगर कोई प्रूफ करना चाहे इस चीज का, तो ये देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टी लेके, कुछ भी वाई लेके, एमजीएफ से आप इसका प्रूफ निकाल सकते हैं, अभी मैं निगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको वो बताऊंगा क्या कहते हैं एमजीएफ क्या होता है, तब आप आराम से इसको पहचान पाएंगे कि ये क्या फॉलो कर रहा है, दो दो टर्म्स ले रहे हैं, तो ये फॉलो करेगा निगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 2, p, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाइवल फंक्शन की,
सर्वाइवल फंक्शन बेसिकली है कुछ भी नहीं, ये क्या है, सर्वाइवल फंक्शन एंड CDF, कुछ भी नहीं होता। पहली चीज है सर्वाइवल फंक्शन को कहते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ई, यही आपका सर्वाइवल फंक्शन होता है। ठीक है, सुनने में मजा आ रही है, हंसी भी लग रही है, क्या बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, बट हाँ यही है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है लिखा हुआ है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 minus probability x less than equal to a, डन। ठीक है, 1 minus probability x less than equal to a हम पहले भी निकाल चुके हैं, क्या कहते हैं, छोड़िए फिर से कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, p q square plus dot 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 p q की power a, ओके, p टर्म बाहर ले लीजिए, 1 plus q plus q square plus dot 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 q की power a, ये बचेगा क्या, 1 minus p 1 minus q की power a plus 1 upon 1 minus q करेंगे, वो आएगा p, p से p कैंसिल हो गए, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये बचा q की पावर a प्लस 1, यही सर्वाइवल फैक्टर है, सर्वाइवल फंक्शन है, सॉरी, फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अगर आपको ये निकालना है, क्या कहते हैं, CDF निकालना है, तो यहां देखिए कायदे से हमने CDF पहले ही निकाल रखा है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a ही तो हमारा CDF है, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a यानी fx अगर हमें निकालना है, तो हम x a की जगह अगर x को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा बन क्या जाएगा, 1 minus q की power x plus 1, यही तो हमारा आ जाएगा CDF। ठीक, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सर्वाइवल फंक्शन एक नई चीज थी जो मुझे बतानी थी, मैंने बता दी कि ये है क्या चीज। ओके, अब आते हैं मेमोरीलेस प्रॉपर्टी पे, और मैं चाहता हूं कि जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको मैं लिखवा रहा हूं, आप अपने आप प्रूफ करिएगा, तो उसे प्रूफ करिए, अटेम्प्ट तो करिए, एटलीस्ट जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते हैं, आप खुद जूझेंगे, आपको 3-4 नई ट्रिक्स भी पता चलेंगे, हो सकता है मैं बहुत छोटे तरीके से आपको बता दूं, या ये भी हो सकता है आप मुझसे अच्छे छोटे तरीके से कर लें, तो डिपेंड करता है, करते रहे यार, और वैसे तो हम बता ही देंगे हर एक चीज तुम्हें। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, ठीक है, या इसको मार्कोस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मार्कोस प्रॉपर्टी, ये भी बोला जाता है, ठीक, या एक और नाम है इसका, और एजलेस फीचर ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये बहुत बड़ा हुआ ये भी नहीं है, ठीक है, बेसिक 3 प्रॉपर्टीज हैं खाली, छोटी छोटी सी फॉर्मूले हैं, उनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, मगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका कुछ टर्म इस टाइप का दे रखा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू s प्लस t, ठीक, गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू s, तो ये आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू t ऑलवेज। दूसरी चीज है हमारी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू s प्लस t गिवन x ग्रेटर देन s, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू t, ठीक है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एस प्लस टी गिवेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ये भी आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए कि आपका जो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का जो भी मतलब सिंबल है वो डिपेंड कर रहा है कि इस वाले सिंबल्स पे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर था तब भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहाँ पे इक्वल था तो यहाँ पे इक्वल आया है, ओके। तो ये चीजें आप याद के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आप याद कर भी सकते हैं, इसी वजह से दिया भी है आपको, ठीक। पैस्कल ज्योमेट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया, पैस्कल ज्योमेट्रिक का मैं चाहता हूँ CDF आप खुद निकालें, मैं बहरहाल आपको CDF लिख के दिखाया दे रहा हूं, उसका होता क्या है, ये हो जाएगा 1 minus q की power y, अगर आप आपका फॉलो कर रहा है p into q की पावर y और y goes from 1, 2, ठीक है, तो ये इस टाइप का उसका CDF आ जाता है, आप खुद निकाल लीजिए, मैंने आपको एक बता दिया, दूसरा आप खुद करिए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहरहाल अभी देख लेता हूँ, ज्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हो गई है, देखने में तुम लोग भी बोर हो जाओ, क्या फायदा उसका।
अरे यार 20 मिनट की हो गई, चलो 10 मिनट और प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं, आधे घंटे की हो जाएगी। ठीक है, एक्स फॉलो कर रहा है निगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स आर कॉमा पी। अगर इसका हम लोग पीडीएफ कुछ इस तरीके से लिख पाए, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस आर माइनस वन सी एक्स पी की पावर आर क्यू की पावर एक्स, ठीक, जहां पे एक्स की रेंज 0.1.2 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। एक और तरीका है इसको लिखने का, ठीक है, मैं चाहता हूं ये बेसिक है, आप इसको याद रखिए, ठीक। एक और तरीका है लिखने का, मैं वो भी बताता हूं आपको, एक्स प्लस आर माइनस वन सी एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एक्स प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है। ऊपर वाला टर्म ओपन करिए, क्या आएगा, एक्स प्लस आर माइनस वन, दूसरा टर्म एक्स प्लस आर माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस आर माइनस एक्स माइनस वन, एक ये टर्म आएगा यहाँ पे कहीं पे हमारा, एक्स प्लस आर माइनस एक्स, ये चीज़ हमको मिलेगी, और एंड कहाँ करेगा ये फैक्टोरियल, एक्स प्लस आर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। हम लोग एक एक टर्म घटाते जा रहे हैं, तो अब बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे वन आ ही जाएगा, ठीक, और नीचे हमारा क्या बचेगा, फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है। आप इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पे देखिए इसे ओपन कर दीजिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसे साइड हल्का सा कर देता हूँ मैं, आप दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई, इसको आप ओपन कर दीजिए, एक्स एक्स गायब हो जाएगा, आर माइनस वन बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक। हमारे पास बचा क्या, ये देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या r, आप इसे उल्टा लिख दीजिए, मैं चाहता हूँ उल्टा लिखें, r माइनस वन, ओके सॉरी r प्लस वन, ऐसे ही r प्लस टू डॉट डॉट डॉट, आप उल्टा क्या बचेगा, x प्लस आर माइनस टू, आपके पास जो बचा है वो लिख दीजिए, x प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल x, ठीक। अब एक काम करिए, दो चीज़ों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, वो है इसी में कर दे रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, बट आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, माइनस वन की पावर एक्स अपॉन माइनस वन की पावर एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक, फैक्टोरियल माइनस आर माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर माइनस एक्स, ठीक है, इससे हमने कर दिया, तो ये हमारा बचेगा क्या, ये देखिए सब कुछ लिख दीजिए एक साथ, इसको रब गए यार, बहुत ज़्यादा लेंदी है ये, माइनस वन की पावर एक्स, ठीक, माइनस माइनस वन की पावर एक्स, हाँ अंदर सब माइनस लिए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर ले लेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर माइनस वन, ठीक है, माइनस आर माइनस टू, अंदर मैं माइनस लेके गया हूँ, माइनस वन की पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन है, बट फिर भी मैंने हर जगह लेके गया हूँ माइनस, आप बाहर माइनस निकालेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कर देंगे, ठीक। ये बचा और क्या आएगा, ये डॉट डॉट डॉट, माइनस आर माइनस एक्स माइनस, ये क्या बात यहाँ था, माइनस आर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, दूसरा टर्म आएगा आपका माइनस आर माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे आपका एक ये टर्म आ गया माइनस आर माइनस एक्स फैक्टोरियल अपॉन, नीचे हमारा चल ही रहा है ये चीज़, क्या कहते हैं, माइनस वन की पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स और फैक्टोरियल आर माइनस एक्स, ये आपका अगर कायदे से देखें तो ये लिखा क्या हुआ है, माइनस वन की पावर एक्स जो कि रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, इसे आप याद कर लीजिए ज़्यादा अच्छा है, आर सी एक्स माइनस आर सी एक्स, ओके यही आपका लिखा हुआ है माइनस आर सी एक्स, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे, तो एक्स प्लस आर माइनस वन सी एक्स आपकी जगह पे वो हो जाएगा माइनस वन की पावर एक्स
माइनस आर सी एक्स पी की पावर आर क्यू की पावर एक्स, आपका ये पीडीएफ हो जाएगा एक्स क्यूज फ्रॉम 0,1,2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक और तरीका है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, कि इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, और कैसे आया है इसको समझने की कोशिश करिए। अब इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझा सकूँ, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट कराना है, कोर्स काफ़ी लंबी है। ठीक, तो निगेटिव पॉलीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पीडीएफ देख लिया, एक और फॉर्म देख ली जिससे वो लिखा जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका एमजीएफ, ठीक है, इसके मूवमेंट्स, कर्टोसिस, स्क्यूनेस और इसकी बेसिक कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब और आपको पता चलती जाएंगी। एमजीएफ पहले देख लीजिए, इसका एमजीएफ क्या होगा, एमएक्सटी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टी अपॉन वन माइनस क्यू ई की पावर टी था, बस उसी की होल पावर आर लगा दीजिए, ये आपका इसका एमजीएफ आ गया। ठीक है, आपको म्यू वन डैश निकालना है, आर क्यू बाई पी कर दीजिए, आपको निकल गया। म्यू टू निकालना है, आर क्यू बाई पी स्क्वायर कर दीजिए। म्यू थ्री आपको निकालना है, आर क्यू वन प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। म्यू फोर सिमिलर इन द सिमिलर वे, आर क्यू, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, पी स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू क्यू पी की पावर फोर, ये चीज। ठीक है, तो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री हमने देखा बहुत आसान है, आप अगर उसका याद कर लेंगे तो उसमें खाली आर ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। बट हाँ, यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसका म्यू फोर और उसके म्यू फोर में थोड़ी सी डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। बीटा वन क्या होता है, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यू, तो म्यू थ्री स्क्वायर करिए, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वन प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा म्यू टू क्यूब आर क्यूब क्यू क्यूब अपॉन पी की पावर सिक्स। यहाँ पे भी सिक्स हो जाएगी, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका आर स्क्वायर वन प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। आर से आर, हाँ यहाँ से एक एक आर भी कैंसिल हो गया, आर क्यूब। इसको अंडर रूट अब आप लेंगे, अंडर रूट बीटा वन लेंगे, तो ये चीज़ें भी देखिए, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्योंकि आर कोई नंबर आका होगा, आर हो सकता है नंबर ऑफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो ट्रायल्स को, कि क्या कहते हैं जहाँ पे आपको सक्सेस मिले। ठीक है, तो आर हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो बीटा वन भी हमेशा, सॉरी गामा वन भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, कर्टोसिस देख लेते हैं, कर्टोसिस क्या होता है, म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर होता है। ठीक है, तो म्यू टू स्क्वायर कर दीजिए, म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर करने का मतलब है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी की पावर फोर, आप करेंगे ये कैंसिल हो गया, आर से आर एक ये चीज कैंसिल हो गई, क्यू से एक क्यू टर्म कैंसिल हो गया, वन अपॉन क्यू पी स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू क्यू। ये टर्म अगर आप इसे गामा टू निकालेंगे बीटा टू माइनस थ्री, ये तब भी टर्म आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, आप इसे करके देखिएगा। ठीक है, तो इसे हमें पता चला है कि ये लैक्टोबायोटिक होगा। एमजीएफ मैंने बता दिया, एडिटिव प्रॉपर्टी इसकी भी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, बट हाँ ये है कि ये कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करेगा, जैसे ज्योमेट्रिक था, ज्योमेट्रिक एक्स वन एक्स टू निगेटिव बाइनोमियल फॉलो करेगा, ऐसे ही अगर एक्स वन कॉमा एक्स टू फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव x1 फॉलो कर रहा है नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स r1 कॉमा p, और x2 फॉलो कर रहा है नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स r2 कॉमा p, तो x1 प्लस x2 फॉलो करेंगे नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स r1 प्लस r2 कॉमा p। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, पहले भी बताया है, फिर से बताया दे रहा हूँ, रिकरेंस रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये आपका अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर थर्ड ईयर में भी हैं, तो याद रखिए आपके प्रैक्टिकल में रिकरेंस रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, जब आप क्या कहते हैं किसी भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, जब कहीं भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लगाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए रिकरेंस रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वन अपॉन पी एक्स, इसको आप सॉल्व करिए, x प्लस वन एक टर्म बढ़ा के लिखिएगा। ठीक है, जहां जहां x है डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे, वहां x प्लस वन करिएगा, पी एक्स करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, इधर उधर भेजिएगा, आपको रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगा। ठीक है, और एक आखिरी चीज, इसके बाद में आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। ठीक है,
मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस आर पी वाई क्यू, ये चीज क्या है ये याद करिए, 2 इंटू पी की पावर आर माइनस वन, क्यू की पावर ए प्लस वन, ठीक है, ए प्लस वन आर प्लस ए सी ए प्लस वन, जहां पे ए क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर क्यू बाई पी, ठीक। अगर आप याद कर लेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे क्वेश्चंस लगाने में। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर हम अब कल इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और थोड़ा बहुत कन्वर्जेंस भी हम लोग देखेंगे कि अगर टू लैम्डा एक्स है ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है या फिर वो फॉलो कर रहा है तो क्या फॉलो करेगा ये सब। तो स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं भी देखते तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। अगर नहीं देखते भाई इसका मतलब तुम्हें ये सब आता है तो काम चल जाएगा, नहीं आता तो भाई देख के सीख लो, नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, और जितना लिखवा रहा हूँ इतना आपके लिए सफिशियंट है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन हिट कर सकते हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए थैंक यू, और नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए पढ़ाई चालू हो गई है।